हेलो फ्रेंड्स, मैं शोभा पाठक, आप लोगों का स्वागत है शोभा फ्रेश किचन एंड ब्लॉग में। चलिए आज हम एकदम जो गर्मी में आपको खाने का मन करता होगा ठंडा ठंडा रेसिपी, तो आज हम वही रेसिपी बना रहे हैं। अब बहुत पौष्टिक भी रहेगा, हेल्दी भी रहेगा तो और टेस्टी भी रहेगा। तो हम चलते हैं बनाने के लिए। यह है मूँग दाल। मूँग दाल को हम अच्छी तरह से 2 घंटे के लिए हम भिंगा लिए थे हैं, 2 घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए भिंगा लीजिए। देखिए ये हम 2 घंटे के लिए भिंगाए हैं, अच्छी तरह से हाथ से ही मसल जाता है, ये देख रहे हैं इस तरह से होना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मिक्सी पॉट लेंगे हम और इसमें हम इस दाल को हम पीस लेंगे। ये वीडियो आप ज़रूर देखें और ज़रूर ये रेसिपी बना के खाएं, बहुत ही अच्छी रेसिपी ये बनेगी। चलिए ये हम सारा पीस लेते हैं। अभी थोड़ा सा और पीसेगा। एकदम बारीक पीसना चाहिए इसमें। पीस चुका है। देखिए ये अच्छी तरह से पिस चुका है। अब इसमें हम क्या करेंगे, साबुत धनिया डालेंगे और साबुत जीरा और ये बारीक कटा हुआ अदरक है वो डाल रहे हैं। और ये हरी मिर्च और स्वाद के अनुसार नमक डालें आप। अब इसको हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। देखिए बहुत ही हल्का ये पिसाया है क्योंकि अच्छी तरह से ये फुला हुआ था। अब इसमें हम 1 चुटकी हींग डालेंगे और 1 चुटकी हल्दी पाउडर बस। ठंड में गर्मी में ना बना के रख लीजिए और उसके बाद फ्रिज में रख दीजिए और ठंडा ठंडा निकालिए और ठंडा ठंडा खाइए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हम तेल डाल देते हैं। तेल गर्म हो चुका है। गोल गोल ही हम डालेंगे। चलिए हम हाथ से ही डाल देते हैं।
और हम सबको पलट देते हैं। देखिए सारा फूल गया है क्योंकि दाल अच्छी तरह से फूला हुआ था। इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लीजिए क्योंकि सॉफ्ट मूंग दाल ना सॉफ्ट होता है, इसलिए अच्छी तरह से क्रक हो जाना चाहिए। ये अब हम इसको निकाल लेते हैं। अब मेरे पास ये दही ठंडा है, इसको हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब इसमें हम नमक थोड़ा सा डालेंगे और लाल मिर्च पाउडर हल्का सा। हल्का सा इसमें पानी भी लगेगा। अभी हम सर्व करने के लिए ले लिए हैं, इसमें हम थोड़ा सा देखिए तोड़ तोड़ के हम डाल देते हैं। ऐसे भी आप खा सकते हैं। ये अब इसके ऊपर से हम दही डालेंगे। ऊपर से थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर भुना हुआ। फ्रिज में ठंडा करें और ठंडा ठंडा खाएं, बहुत ही अच्छा लगेगा ये आपको। गर्मी के मौसम में अगर कुछ आपको खाने का मन नहीं कर रहा है तो ये बना के आप खाएं। अगर आपको कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है तो बार बार बोल रहे हैं ये बना के खाएं, ठंडा करें, और ये बहुत हेल्दी है, बहुत टेस्टी है। सो प्लीज़ आप लोगों को अगर अच्छा लगता है मेरी रेसिपी तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर भी करें। थैंक यू।